शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम खड़े होकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से एक फिट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को खंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके हैं और फिर सीधे। ऐसे सीधे देखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर, हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं। ऐसे ही से 5 से 6 बार कीजिए और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी सीधे। ऐसे ही 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर ऐसे राइट घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे हील को ऐसे बिल्कुल दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं, सीधे देखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही हो तो स्टार्टिंग में जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में आप इतना अगर इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही करें। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे सीधे, फिर ऐसे। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और फिर तीव्रता से या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए सीधे देखते हैं, फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कमर के पास ऐसे रख लेते हैं, राइट पैर को ऐसे सीधे करते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से 5 से 10 सेकंड रुके, फिर सेंटर में आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और फिर सीधे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 8 से 10 बार करें। इतना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से 5 से 10 सेकंड रुके, फिर सेंटर में आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और फिर सीधे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 8 से 10 बार करें। और फिर ऐसे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट कोणासना। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे घुटने, हमारे जंघा काफी मजबूत बनते हैं। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए ऐसे सीधे देखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऐसे ही से आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हस्त उत्तानासना और पाद हस्तासना को एक साथ करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आइए, 10 सेकंड तक रुके, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे।
ऐसे ही 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं, जैसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे हैं और अपने दोनों हाथों को घुटनों के पीछे से लगाकर फिर सीधे।